कर सकते हैं निकालेंगे क्या थोड़ी सी। हाँ सर, तो बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन का बोला है सर, अल्ट्रासाउंड सीसीटी। ग्वालियर के कमला राजा महिला एवं बाल चिकित्सालय में चार पैर वाली बच्ची ने जन्म लिया है। चिकित्सकों के मुताबिक ये जुड़वा बच्चों के पैदा होने की स्थिति में भ्रूण डेवलपमेंट होता है, लेकिन दूसरे बच्चे के अन्य अंग विकसित नहीं हो सके। इसे चिकित्सकीय भाषा में एशियोपैगस कहा जाता है। बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले इस दंपत्ति के सामने दुविधा की स्थिति है। एक तो पहले से ही दंपत्ति के यहाँ दो बच्चियां हैं, वहीं तीसरी बच्ची हुई है तो वह जन्मजात विकृत है। लेकिन चिकित्सकों ने दंपत्ति को आश्वस्त किया है कि कुछ समय बाद इस बच्ची के दो अतिरिक्त पैरों का ऑपरेशन के बाद अलग कर दिया जाएगा। फिलहाल इस बच्ची को चिकित्सकों की देखरेख में SNCU में रखा गया है। दरअसल अस्पताल के बाल शिशु रोग विभाग में जिस बच्ची का जन्म हुआ है उसके चार पैर हैं। प्रसूता महिला का नाम आरती कुशवा है, जो सिकंदर कंपू की रहने वाली है। इस अजीबोगरीब बच्ची के जन्म के बाद बाल एवं शिशु रोग विभाग के विशेषज्ञ चिकित्सकों के अलावा अन्य डॉक्टरों की टीम ने जयरोग अस्पताल समूह के अधीक्षक के साथ बच्ची का परीक्षण किया और विशेषज्ञ डॉक्टरों ने पाया कि बच्ची के जन्म के दौरान उसमें शारीरिक विकृति है और कुछ भ्रूण अतिरिक्त बन गया है, जिसे मेडिकल साइंस की भाषा में एशियोपैगस कहा जाता है, जिसमें कि शरीर के नीचे के भाग का अतिरिक्त विकास हो जाता है और इससे रेयर यानी कुछ हजारों केसों में इस तरह के लक्षण होने की बात सामने आई है। बच्ची फिलहाल कमला राजा अस्पताल के बाल एवं शिशु रोग विभाग के स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में भर्ती है, जिस पर सतत निगरानी रखी जा रही है और डॉक्टर सर्जरी के माध्यम से उसके अतिरिक्त दो पैर निकालने की बात कह रहे हैं। हाँ, ये मुझे पता लगा तो मैंने देखा है इसको। एक्चुअली ये जन्मजात विकृति होती है, इसको कंजेनिटल एनोमली बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जब भ्रूण विकसित हो रहा है माँ के पेट में, उस समय एक से दो कोशिकाओं में बढ़ता है, तो कई बार दो बच्चे जिनको ट्विन प्रेगनेंसी बोलते हैं ट्विन हो जाते हैं। लेकिन इस केस में क्या हुआ है कि एक नीचे के हिस्से का जो पोर्शन है वो सिर्फ, उसमें से सिर्फ पैर डेवलप हुए हैं, कमर के नीचे ऊपर का हिस्सा नहीं डेवलप हुआ है। तो इसको एशियोपैगस बोलते हैं मेडिकल साइंस की भाषा में। इसको हमारे चिकित्सकों ने देख लिया है, पीडियाट्रिक सर्जन पीडियाट्रिशियन सभी ने, और इसको सर्जरी के द्वारा इसके जो दो पैर हैं वो जो एक्स्ट्रा हैं उनको निकाल के और बच्ची को बाद में पूरा स्वस्थ जीवन के लिए हम लोग पूरी उम्मीद करते हैं और इसको कर देंगे। कितने केस में ऐसा होता है सर? देखिए, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, पर ये पर्टिकुलर जो केस है बहुत रेयर होते हैं। या तो ऊपर का धड़ जुड़ा होता है या पूरे ही ऊपर से नीचे तक का धड़ जुड़ा होता है। आपने देखा होगा किसी के सर जुड़े होते हैं, पूरे बच्चे डेवलप होते हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि ऊपर का बच्चा तो गायब है लेकिन सिर्फ पैर पैर डेवलप हुए हैं नीचे के। तो ये अलग अलग तरह की जो ट्विंस हैं जिनको सियामी ट्विंस बोलते हैं, वो एक एक ही अंडे से विकसित होते हैं। इसमें भी वही हुआ है लेकिन ऊपर का गायब है